हेलो एवरी वन, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, इंडिविजुअली आपके पर्सन के लिए अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे, आपके पर्सन की कमिंग 24 आवर्स तक की एनर्जी कैसी रहेगी। इस शफल डेक से हम लेंगे फर्स्ट कार्ड। इनकी तरफ फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है। आज के दिन में ये कोई वेडिंग अटेंड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, इवन यहाँ पर पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करने की एनर्जी है। हो सकता है इन्हें कोई बिजनेस पार्टनरशिप, कोई प्रोजेक्ट ऑफर किया जाए, ये अपने फ्रेंड की डेस्टिनेशन वेडिंग को अटेंड करें। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि ये शादी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं। इनकी भी शादी की वाइब्स हैं, शादी को लेकर स्टेबिलिटी, शादी को लेकर थॉट प्रोसेस रखना, समथिंग वुड बी रिलेटेड टू मैरिज इन देयर लाइफ। नेक्स्ट वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके साथ शादी के वादे किए हैं, आपके साथ चीजों को उस लेवल पे देखा है, तो आपके साथ सेपरेशन को याद कर सकते हैं। शादी की वजह से सेपरेशन, अगर आपने कमिटमेंट मांगा ये नहीं दे पाए, अगर आप इन्हीं के साथ मैरिड हैं तो शादी में सेपरेशन आपके पोर्शन को बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ दे सकता है। आपको मिस करेंगे काफी ज्यादा। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि इनको कोई लॉस चल रहा है या आज के दिन में कोई लॉस हो जाए इनके बिजनेस पार्टनरशिप से। ठीक है, लॉस फेस करने की एनर्जी है, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड, लो फील करना। ठीक, नेक्स्ट वी हैव, आज के दिन में इन्हें कोई छोड़ के जा सकता है, टू ऑफ कप्स। आपके पर्सन आज के दिन में अगर बिल्कुल किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी के साथ या तो इनका सेपरेशन होगा या फिर ये काफी समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे थर्ड पार्टी में, तो सिचुएशन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, आज के दिन में डिवाइन आपको मिला सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हालात बनाते हैं डिवाइन, लेकिन आपका इनके साथ रिकंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बातचीत होना शुरू हुई है, तो प्रॉपरली आज के दिन में आपसे मुलाकात कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द वर्ल्ड। यस, ट्रैवलिंग की एनर्जी है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको मिलने बुलाएं या आप उनसे मिलने जाएं। सोशल मीडिया पे आपको रीच आउट भी कर सकते हैं। इवन एनर्जी है कि आज के दिन में ये कहीं दूर ट्रैवल करें, कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, ये कहीं टिकट्स बुक करें, ये कहीं लंबे निकलें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपका जिक्र अपने घर में कर सकते हैं, डिस्कशन, आपके पार्टनर के घर में आपका इनडायरेक्टली डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आज के दिन में अपने लोगों के साथ उठना बैठना, जान पहचान में व्यस्त रहने की एनर्जी। इनके घर पे कुछ गेस्ट आ सकते हैं, ठीक है, जो स्टे करें, कुछ क्लोज रिलेशंस के लोग दिख रहे हैं इनके घर में। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव टेम्परेंस। आज के दिन में ये किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए। आपसे बातचीत होती है तो आपके पर्सन आपको ये जाहिर कर सकते हैं कि ये थोड़े से समझदार हो रहे हैं और ये आपके साथ अब रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस करने के लिए अगर इन्हें माफी मांगनी पड़े या अपने आप को थोड़ा सा लो दिखाना पड़े, तो ये वो भी आज के दिन में कर सकते हैं। अपनी भी लाइफ में आज के दिन में पीसफुल रिजोल्यूशन को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आज के दिन में सेपरेशन एंड होने की एनर्जी है। ठीक है, स्पेसिफिकली 2 से 4 घंटे, 5 घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पार्टनर किसी ऐसे काम से भी बाहर निकल सकते हैं, जैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां पर इन्वेस्ट किया जाता है वहां से ही अपने आप को हटा लें, अगर इनको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे या उसमें आज के दिन में लॉस होते, ये डिसीजन लें कि इनको ये चीजें नहीं करनी है। ठीक, सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की कमिंग 24 आवर्स की एनर्जी। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।